कहते हैं ना, बड़ी और बुरी आदत हमेशा अपनों का ही नुकसान करती है। और ऐसे में जब किसी को बुरी लत लग जाए तो वो कर्ज के बोझ तले दब जाता है और कर्ज का बोझ हटाने के लिए कई ऐसे गलत काम कर बैठता है जिसे समाज गलत समझता है। ऐसा ही एक मामला अपनों से ही ठगी करने का सामने आया है। बिहार के किशनगंज में एक व्यापारी के घर एक बच्चे ने खुद ही अपने माता पिता को चूना लगाने की पूरी साजिश रची है। विशाल डागा नाम का यह लड़का अपने ही पिता को फर्जी अपहरण का नाटक करवा कर फिरौती मंगवा रहा है। आप भी सुनिए कि किस तरह से फिरौती उसके पिता से मांगी जा रही है। सुना आपने उसके पिता ने क्या कहा? फिरौती मांगी जा रही है, फ़ोन करके धमकी दी जा रही है। लेकिन ये धमकी कोई और नहीं बल्कि विशाल डागा खुद अपने पिता को दिलवा रहा है। विशाल डागा अपने पिता से 60 लाख रुपए लेने के लिए ये सारा चक्र रचा हुआ है और अपने चार साथियों की मदद करवा के अपने घर वालों से पैसे मंगवा रहा है। जब इसका खुलासा किशनगंज की पुलिस ने किया तो चारों उसके दोस्त धरे गए और उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम अब किशनगंज की पुलिस कर रही है। आप भी सुनिए कि किस तरह से किशनगंज की पुलिस ने इस फर्जी अपहरण का पर्दाफाश किया। पिछले महीने मिलापचंद डागा जी के पुत्र विशाल डागा के अपहरण की सूचना मिली थी, जिस पर किशनगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न जगहों पर लगातार मेहनत करके इस पर छापामारी करी और हम लोगों ने बहुत सारे साक्ष्य जुटाए, जिसकी परिणति हुई कि हम लोगों ने सकुशल विशाल डागा को बरामद किया है। और इसमें जो अनुसंधान के क्रम में बात सामने आई है वो यही है कि इसने खुद ही अपना अपहरण जो है प्लान किया था। इसके तीन दोस्तों के नाम भी सामने आए हैं, रोहित है, रौनक है और रुपेश है, जिसके साथ मिलकर इसने इस अपहरण की घटना को अंजाम दिया, खुद का ही अपहरण कराया, क्योंकि इसके ऊपर कुछ बिजनेस के दौरान लोन चढ़ गया था, कुछ कर्ज था, घर वालों से इसने पैसे मांगे और घर वालों ने पैसे नहीं दिए, उनकी कुछ मजबूरी रही होगी, तो इसने प्लान करके अपना किडनैप करने का और 60 लाख रुपए की डिमांड करी थी, जिसमें बंटवारे का हिस्सा ये होना था कि 45 लाख विशाल डागा खुद रखने वाला था और 15 लाख अपने दोस्तों में बांट देता। तो इस प्रकार किशनगंज पुलिस द्वारा इस मामले की तत्परतापूर्वक जाँच की गई और मामला फर्जी साबित हुआ है और इसमें जो शामिल चारों लोग हैं उनको हम लोग जेल भेज रहे हैं। पैसे और बुरे लत की वजह से विशाल डागा अपने चार दोस्तों के साथ अब सलाखों के पीछे चला गया है। लेकिन उन माँ बाप के लिए भी ये नसीहत होगी कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे और अच्छे संस्कार दे, अन्यथा बुरी लत अगर पैसे की अधिकता की वजह से लग जाएगी तो ऐसे ही कारनामे समाज के सामने आएंगे। किशनगंज से मुखर संवाद के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।